राम राम दोस्तों एंड हैप्पी न्यू ईयर। ये मेरे बिग ब्रो आज इस गुज्जर हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। चलो दोस्तों, ये बातें तो होती रहेंगी। आज हम आपको नए साल पर कुछ खास सुनाते हैं। पता है दोस्तों, रात मेरी ईश्वर से मुलाकात हुई। थोड़ी सही पर बात तो ज़रूर हुई। फिर मैंने आप लोगों के बारे में पूछा कि मेरे दोस्त कैसे हैं। भगवान पता है क्या बोले? रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसे है। पर दोस्तों हाँ, जब भगवान मेरे से ये बोला ना कि रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसे है, मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैन बिल्कुल ईश्वर के जैसे हैं। दोस्तों आज नया साल है, मैं सोच रही थी कि मैं आज लाइव आऊं, पर एक फैंस का कॉल आया मेरे पास। उन्होंने बोला कि रियांश तुझे लाइव आओ, इसलिए मैं लाइव आई। और वैसे मेरा मन भी था लाइव आने का। क्यों ब्रो, क्या बोल रहे हो? ठीक बोल रहे। और चलो मैं एक और सुना दूं कुछ आपको, एक शायर वगैरह और कुछ। ठीक है, चलो सुना। भगवान ने पूछा क्या चाहिए 2019 के लिए। मैंने बोला लंबी उम्र और बड़ी सी कामयाबी। भगवान ने बोला वो किस लिए। मैंने बोला जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए। ठीक कहा ना मैंने? और दोस्तों प्लीज़ एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ, प्लीज़ उन्हें आपके बार ज़रूर जिता देना। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ इतनी दया तो कर दो। पता ना, अगर हमारे देश में मोदी जी अब की बार फिर प्रधानमंत्री आए तो आप देखो कितनी तरक्की आ सकती है, हमारा देश कितना बदल सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे इंडिया का नक्शा चेंज हो जाएगा। बस सच्ची बोल रही हूँ, एक बार आजमा के देखो। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी जी सिर्फ एक बार प्रधानमंत्री बने हैं, अगर आप उन्हें दोबारा फिर प्रधानमंत्री बना दो तो देखना हमारा देश कितनी तरक्की करेगा। आप सोच भी नहीं सकते इतनी तरक्की करेगा दोस्तों। हाँ, एक बार और देखनी चाहिए दोस्तों, और देख करके। सही बोल रही हूँ, प्लीज। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, अगर कुछ गलती कर दी ना मैंने तो प्लीज़ ज़रूर बता दियो अपनी फ्रेंड्स समझ के, प्लीज़।